नमस्कार दोस्तों, अब है अपडेट सोनाली हत्याकांड से। सोनाली फोगाट के पीए को लेकर राखी सावंत का बड़ा बयान। मैं उससे 10 बार मिली थी, मुझे उस पर शक था। राखी सावंत ने सोनाली फोगाट की मौत को लेकर कई राज खोले हैं। राखी और सोनाली दोनों बिग बॉस 14 में साथ में थी, जहां उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी। बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट सोनाली फोगाट का गोवा में निधन हो गया था। पहले मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई थी, लेकिन गोवा पुलिस के मुताबिक पॉलिटिशियन को पार्टी के दौरान ड्रग्स दिया गया था। सोनाली की फैमिली ने उनके पीए सुधीर सांगवान सहित कई लोगों पर मर्डर के आरोप लगाए हैं, जिससे एक बाद यह मामला पूरी तरह से उलझ गया है। इस केस की अभी भी जांच हो रही है, कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस बीच राखी सावंत ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने हाल ही में पापराजी से बात करते हुए बिग बॉस में को कंटेस्टेंट रही सोनाली को लेकर कई राज खोले हैं। राखी सावंत ने सोनाली फोगाट की मौत को लेकर कहा, देखिए जब मुझे पता चला था तो डे वन से मुझे मर्डर ही लग रहा था। सोनाली जी का मर्डर ही हुआ है। बिग बॉस में बहुत अच्छा वक्त बिताया है मैंने। उनकी जान थी उनकी बेटी और उनके पीए सुधीर सांगवान थे। वो टकलू वो हमें बताती थी कि वो उसके प्यार में थी और वो पीए भी थे और दोस्त भी थे। अब वो नहीं है तो मुझे बताना अच्छा भी नहीं लगता, बहुत गलत बात है। हार्ट अटैक उनको आया ही नहीं, अभी क्या है वो सीबीआई और पुलिस देखे। इसके बाद राखी सावंत आगे कहती हैं, मैंने वीडियो देखा था, उसके कपड़े भी हटा दिए गए थे। मैं बहुत शॉक थी, लेकिन मैं दुबई में थी। वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मैं ट्रॉमा में थी। मैं बीजेपी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले जिसने उनका मर्डर किया है। उस टकले यानी सुधीर सांगवान ने उनकी बेटी को अनाथ कर दिया। मुझे डे वन से उस पे शक था। मैं उससे 10 बार मिली हूँ, जितनी बार देखती हूँ उतनी बार गुस्सा आता था। मैं सोनाली फोगाट से पूछती थी कि वो कौन है। वो कहती थी कोई नहीं, मेरा पीए है और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसकी शक्ल से भी मुझे वो क्रिमिनल लगता था। आज वो सच हो गया है, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। अर्शी खान ने सोनाली के लिए न्याय की गुहार लगाई। इससे पहले अर्शी खान जो कि बिग बॉस 14 में थी, उन्होंने भी सोनाली फोगाट की मौत पर दुख जताया था, साथ ही सोनाली के लिए न्याय की गुहार भी लगाई थी। ईटा से बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा था, सिर्फ बिग बॉस के दौरान ही नहीं बल्कि शो के बाद भी हम एक दूसरे के साथ रहे हैं। मैंने काफी वक्त उनके साथ बिताया था, उसने मुझे माँ की तरह प्यार दुलार किया था और अक्सर कहती थी कि तुम उम्र में बड़ी है, हरकतों में नहीं। मैं जब भी शूटिंग के लिए जाती थी तो वो मुझ पर नजर रखती थी और वो मेरी और मेरी सलामती के लिए प्रोएक्टिव थी। जानकारी के मुताबिक सोनाली फोगाट के पीए ने 12,000 रुपए में ड्रग्स खरीदा था और उसे पानी में मिलाकर पिलाया था। इसके बाद सोनाली असहज महसूस करने लगी थी और देखते ही देखते उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस सिलसिले में और सनसनीखेज खुलासे होंगे, उसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।